रेडी। तो आपने मूवी देखी पहलवान? अच्छा पहलवान कैसे लगे? बहुत बहुत अच्छी और बहुत ज़बरदस्त बनाई है और इतनी इंटरेस्टिंग बनाई है मूवी कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी इंटरेस्टिंग मूवी रहेगी। जो कि जब मैं यहाँ पे आया तो मालूम पड़ा कि यहाँ पे तीन तीन मूवी जो रिलीज हुई है, जो कि आयुष्मान खुराना और अक्षय खन्ना की ये भी मूवी रिलीज हुई है। लेकिन मैं जो है पहले से ही साउथ का जो है फैन हूँ और ये पहले से ही पहलवान जो है ये हीरो को जो है मैं सोचा ये लोग साउथ वाले जो है कुछ समझ में नहीं आता है, चाहे कैसे भी हो वो लोग पब्लिक का दिल जीत लेते हैं। दिल ये जीत लेते कि नाम रखा पहलवान, तो मैं क्या सोचा कुछ है जो है सुल्तान जैसा ही कुछ रहेगा, वही जो है अपने सलमान खान सर जो काम किए वैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी अच्छी मूवी होएगी। जैसे मैं यश की मूवी देखी थी KGF, खाली KGF उसमें बंदूक लेके जब वो मूवी चालू हुई और वो भी उसमें बनाई गई थी अपना अंडरवर्ल्ड पे, और इतनी अच्छी मूवी वो निकली, ऐसे ही ये पहलवान नाम रख दिया। लेकिन ये मूवी जो है जो भी देखेगा वो सोचेगा कि और एक बार मैं देखूं, इतनी अच्छी मूवी बनाई है मैं सोच भी नहीं सकता। और सुनील शेट्टी सर की इतनी जोड़ी कैसे लगी, किच्चा और सुनील? किसका? किच्चा और सुनील शेट्टी के दोनों की जोड़ी? देखिए सुनील शेट्टी सर की जो इसमें एंट्री हुई है वो काबिले तारीफ है, और उन्होंने जो इसमें किरदार किया है, जो रोल किया है वो देखने लायक है। जो कि इसमें उनका एक फाइट जो है क्लाइमेक्स जो है इंटरवल के बाद देखने को मिला, वो सोच भी नहीं सकता जब उनका क्लाइमेक्स जो जब फाइट करते वो देखा मैं ना, तो आशा चकित हो गया। मैं सोचा कि इनकी पहली मूवी जो आई थी बलवान वो मुझे याद आ गया कि सुनील शेट्टी की रिटर्न हो गई। तो इतना मतलब बोल के इतना अभी भी मेरे जो है ये पूरे खड़े हैं, इतने मतलब अलग टाइप में। मतलब ये पहलवान जो है मतलब इसके अंदर आपने देखी होगी कि एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी ब्रदर करके, उसमें जो बॉक्सिंग का बताया था, इसके अंदर वो बॉक्सिंग का बताया लेकिन कुछ अलग तरीके बताया कि आप जो है ना जैसे किसको अगर अटैक का कुछ प्रॉब्लम है तो हो सकता है उसको अटैक आ जाए। तो मैं यही चाहूँगा कि अपना दिल का धड़कन पकड़ करके वो सीन देखे, क्योंकि जो लास्ट में जो ये फाइट का जो बताया कि और वो फाइट में आँख इतने बड़े हो जाते हैं, उसको पंच मारता है उसको, मतलब इतनी दर्दनाक जो 15 मिनट तक जो फाइट देखा, वो जो लास्ट में जो फाइट बताया इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त बताया। उसके अंदर जो है एक बहुत साल पहले एक मूवी आई थी बॉक्सर करके मिथुन चक्रवर्ती की, जो सरक सेना और उनके में फाइट जब होता है तो मिथुन की ऐसी सूज जाती है, उसी सेम टू सेम क्लाइमेक्स बताया। लेकिन इतना बहुत ज़बरदस्त है, अलग है, और गाने भी अच्छी है। स्टोरी इसके अंदर जो है एक अनाथ लड़का रहता है, अनाथ लड़का ये रहता है कि वो जो है मतलब है, और सुनील शेट्टी जो रहते एक मतलब है, जो अपने ये पहलवान के पहले से ही पहलवान रहते और उनको ट्रेनिंग के देते रहते, बहुत बड़े पहलवान रहते, तो वो गरीब पिक्चर में स्टोरी भी है, मतलब स्टोरी भी है। और ये है एक गाने जो है थोड़ा याद नहीं है क्योंकि सीन अच्छे अच्छे आ रहे थे फाइट के, उसमें मैं इंजॉयमेंट हो गया और वो मैं समझने में हो गया। अभी गाना मैं याद करूँ कि वो देखूँ तो यही बात। कैसे लगे किच्चा? देखिए ये इनका जो है थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा एकदम क्लियर है, जैसे साहू में प्रभास के ऊपर सब लोग आवाज़ उठा दिए कि आवाज़ के दबने की वजह से कुछ लोग ने उसको फ्लॉप बोला ये वगैरह वगैरह बोला, इनके अंदर वैसा कुछ नहीं हुआ है। इन्होंने थोड़ा इनका आवाज़ जो है तेज है, और तेज क्या रहेगा इनका बॉडी देख के सब डर जाएंगे, और जो इनका है ईमेन जैसा ये है, और जब ये फाइट करते हैं तो फाइट इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें ही वो पागल हो जाएंगे। और जो ये समझ में नहीं आता ये साउथ के जितने भी डायरेक्टर हैं इतने खतरनाक डायरेक्शन कैसे करते। तो मूवी में मतलब बॉक्सिंग है सब लोग देखेंगे। देखिए एक मिनट देखिए सुनिए मैं बता, देखिए अब रहेगी दूसरी, आप जो बता रहे हैं सुल्तान और सलमान की बात कर रहे हैं, बराबर दंगल की बात कर रहे हैं। अब रह गया दूसरी बात की, पहली बात है कि ये मूवी कम से कम एक थिएटर में बड़े स्क्रीन पर रहना चाहिए था। अब मनोज सर को क्या हुआ वो मालूम नहीं, क्योंकि वो भी फैन है साउथ के पिक्चर के। अभी उन्होंने जो है इतनी मूवी लगी है उनको भी वो भी कन्फ्यूजन हो गया कि मैं किसको किस में दूँ। हाँ तो अभी क्या है थोड़ा वो क्या बोलते थोड़ा छुट्टी चलता है, वेकेशन ऐसा कुछ बोलते छुट्टी चल रहा है। और कल है ना रात को 2:30 बजे तक सब लोग गणपति बप्पा मोरिया गणपति बप्पा सब लोग उल्लर हो गए हैं और सब लोग जो है गणपति डुबा के सो गए हैं। इसके लिए पब्लिक जो है नहीं दिख रही है, ये नहीं कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है। ये मूवी जैसी
देखिए पहली बात क्या है कि इनकी जो है पहली मूवी जो है इनकी हिंदी में रिव्यू हुई है, जैसे यश की हुई थी, यश की हुई थी, ये बाहुबली के डायरेक्ट ऐसा नहीं हुआ था कि राजमौलिया डायरेक्शन कर रहे और बड़ा ये कर दिए और पूरे बहुत से थिएटर में लग गया। ये उसको टक्कर है, सुल्तान को टक्कर देने का मतलब है, सलमान खान को टक्कर देने का मतलब इनको पहले से ही ज़्यादा प्रचार करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इनको पूरा कम से कम 1000, 2000, 5000 स्क्रीन पर लगाना पड़ेगा, तब जाके टक्कर हो सकता था। क्यों? मूवी अच्छी बनी है। और ये मैं रहेगा सलमान खान की बात रहे, अगर वो हीरो भी नहीं रहेंगे तो भी वो हमारे लिए हीरो ही हैं और हम उनके फैन हैं, ऐसा कुछ बात नहीं, क्योंकि वो आदमी ही व्यक्ति ही बहुत अच्छे हैं। पैसा वसूल है मूवी? देखिए ये मूवी में हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए। और रहेगी दूसरी बात कि जो आप सुल्तान की बात कर रहे हैं तो सुल्तान एक जगह पर रखिए, आप वो मत सोच के, ये जो हीरो काम किया उसकी काबिलियत देखिए, और जो साउथ का जो डायरेक्शन इसने दिया है वो कैसे दिल जीतते हैं वो देखिए इसमें। और ये जो है, जो भी एक बार मैं बोलता हूँ, मैं जो रिव्यू दे रहा हूँ ऐसा नहीं, जो दिल में है वही दे रहा हूँ। ये जो भी व्यक्ति और जो भी लड़का पूरी फैमिली के साथ मूवी देख सकते हैं कि एक 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 एक, एक अनाथ लड़का जो है मतलब अपने को साबित करने के लिए बड़े बड़े तीन लड़के से लड़ जाता है, छोटा लड़का, और उसको सुनील शेट्टी खड़े रह के देखते। ऐसे सीन एक मैं आपको बता रहा हूँ, स्टोरी नहीं पूरी बताना चाहिए, लेकिन एक सीन जो है, एक अनाथ लड़का जो है, जब एक छोटा लड़का जो है एक बड़े बड़े 15-15 साल के लड़के को खुद बोलता है मेरे को मारो, तो बोलते हैं अरे, अपना सुनील शेट्टी को उसका दोस्त बोलता है अरे वो मर जाएगा मारे, नहीं वही तो मैं देखना चाहता हूँ, उसकी आँखों में जुनून देखो। तो वही एक छोटा सा लड़का वो तीनों को मारता, तब वो उसे अपने घर लेके आता और वही ये पहलवान बनता है। तो वही ये बात है इसके अंदर, ऐसी ये पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा नहीं। देखिए ये पहली बात है कि इस मूवी को जो है ये स्टार जो है पहली बार हिंदी में डबिंग आया है और कुछ थिएटर में बहुत कम से स्क्रीन में लगा है। तो ये मूवी जो है जो भी देखेगा ये सुपर हिट होना चाहिए और हो ही जाएगा सुपर हिट। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी बनी है और बहुत कम स्क्रीन में है, सुपर हिट है, हिंदी में तो सुपर हिट होना ही चाहिए, क्योंकि जब मुझे पसंद आया तो सबको पसंद आएगा। तो मैं इनको 3 स्टार दूंगा। और रह गया जो डायरेक्टर जो है, जो इतना डायरेक्शन सबका दिल जीत लिया, उसको 5 स्टार दूंगा। तो इनको हिंदी में आना चाहिए, अभी और मूवीज करना चाहिए? देखिए हिंदी में जो है सब अगर ऐश बन जाएंगे तो नहीं चलेगा, ये आए लेकिन इनके साथ दूसरा अपोजिट में कोई हीरो चाहिए। सलमान खान के साथ ये आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, इनकी तो समझो कि चल पड़ी, वो बोलते हैं ना सहरा में भी आ रहे हैं। वो बोलते हैं ना चल पड़ी, मतलब बोलते गंगा काशी नहा लिया, वो हिसाब हो गया सलमान खान के साथ। जैसे सब लोग पहले इंतजार करते कि अमिताभ के साथ मुझे एक बार काम मिल जाए, चाहे हीरोइनी रहती थी, चाहे कितना उम्र वो चौथी सोचती थी कि मैं एक बार उनके साथ काम कर लूँ। तो इनका अच्छा है कि इनका जो है सलमान खान के साथ अच्छा, हाँ अमिताभ साथ में भी गया तो अच्छी बात। अगर वो देख रहे सुदीप, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है कि आपके लिए मतलब ये मूवी अच्छा है और जो भी देखेंगे उनको पसंद आएगा। अभी रह गया पहली बात है कि आपका थोड़ा लक एक ये हो गया कि आपका जो है बड़े स्क्रीन में यहाँ पे जगह नहीं मिल पाई है, तो मैं यही चाहूँगा कि अगर कल दर्शक आए और फिर यहाँ पे पूरी खचाखच भरी रहे तो मनोज सर बोलेंगे नहीं ये बड़े स्क्रीन में एक दो में लगाना चाहिए, तो हो सकता है आपका स्टार खुल जाए। और रहेगा सलमान खान के पास तो आपका स्टार तेज है और आप आगे निकलेंगे, ऐसी कुछ बात नहीं। तो मेरी भी यही है, तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर ये मूवी आपकी हिट हो जाए तो मैं यही चाहता हूँ कि हम लोग भी हाय हेलो कर दीजिए, हाथ मिला लीजिए, बस और क्या है। सेट्टी के बारे में क्या बोलना है? सुनील शेट्टी के लिए बारे में उनको जितना बोला जाए कम है, उन्होंने काम जो है बहुत ज़बरदस्त किया है। हाँ उनको तो हम लोग भूल ही गए, जो जिन्होंने इस मूवी में जान डाला है उनको तो हम लोग भूल ही गए, इतना अच्छा उन्होंने इस मूवी में जान डाला है कि मतलब उन्होंने ये ऐसा नहीं दिलाया कि हम लोग पहलवान दे, ऐसा लग रहा था कि इतनी जितनी भी इसने सीन है सब रोंगटे खड़े कर देने वाले। जैसे आप लोग ने यश की मूवी में KGF में देखा, उससे भी ज़बरदस्त इसमें डायरेक्शन किया हुआ है और रोंगटे खड़े कर देने वाले इसके अंदर सीन है। एक बार आप देखोगे बार बार पूरे दोस्तों लोग को भी ला के दिखाना चाहोगे। पब्लिक को एक बेस्ट पार्ट बता दो मूवी का, जो बेस्ट पार्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि जब वो लड़का तीन जन से लड़के आता है तो बोलता है बेटा तीनों तो तुमको बहुत मारे और तुमको दुखता भी होगा, बोलता है कि अगर क्या जिसको यहाँ दर्द होता है उसको दुखता नहीं है। अरे ये क्या है, ये पहलवान है ना इसे। ओके थैंक यू बस।